वेलकम बैक टू रिलायबल मोटर्स। और अभी हमारे साथ है जुबेर भाई। भाई कितना हुआ दिन है आज का आपका? चौथा दिन है। क्या दिक्कत आ रही है अभी? टर्निंग में दिक्कत आ रही। तो देखिए, इनका जो टर्निंग का प्रैक्टिस है छोटी गलियों के अंदर, इनको जब ये टर्न लेते हैं तो इनकी गाड़ी बंद हो जाती है गियर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आज इनका हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम हाईवे पर लग गए और यहाँ से हम आगे जाके एक कॉलोनी आएंगी, उसमें हम गाड़ी को टर्न करेंगे लेफ्ट में। सेकंड गियर करिए, ट्रक देखिए उधर लेफ्ट में, बहुत अच्छे। पूरा वीडियो देखिए कि वन हैंड टर्निंग का प्रैक्टिस किस तरीके से होता है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है छोटी गलियों में, तंग गलियों के अंदर, ऐसी सिचुएशन में कैसे गाड़ी को मैनेज करें। करिए मेरी तरफ, लेफ्ट साइड के लाइन पे आइए, इंडिकेटर ऊपर करिए, बस बंद करिए इंडिकेटर को, बहुत अच्छे लाइन मैच करके चलाइए। ज़्यादा ज़िगज़ैग नहीं करेंगे हम गाड़ी को। और ये देखिए, अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न आएगा, इंडिकेटर ऊपर करिए, यानी कि लेफ्ट का इंडिकेटर हमने दे दिया। अब लेफ्ट साइड के मिरर पे देखिए, एक बार ऊपर के मिरर पे भी देखिए, है ना? ठीक है, अभी क्लच दबाएंगे हम पूरा। हाँ, वन हैंड टर्न, ये वन हैंड से टर्न करेंगे, ठीक है, सिर्फ सिंगल हैंड। ये देखिए कुछ इस तरीके से, पहला गियर करिए छोटे टर्न पे, पहला गियर करिए आपकी तरफ, हॉर्न दीजिए इनको, हॉर्न, ओके करिए सीधे, गुड, बहुत अच्छे करिए सीधे। हाँ, अब देखिए, अब हम आ गए रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टर्न हैं, इसमें आप देखिए, अभी हमने सेकेंड गियर किया और अभी लेफ्ट टर्न लेंगे हम, ये छोटा टर्न है। क्या करेंगे यहाँ पे? पहला गियर निकालेंगे, ओके, इंडिकेटर देंगे, दिया आपने, हाँ, करिए टर्न, छोड़िए क्लच, क्लच छोड़िए, बहुत अच्छे करिए सीधे, ठीक है, बहुत अच्छे। ये देखिए, अब आगे जो टर्न है, ये आपका राइट टर्न है, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है ये, क्योंकि जो टर्न होते हैं कई बार हमें वहाँ की गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। अभी गलती ये कर रहे हैं आपके, पहले गियर में गाड़ी को खींच रहे हैं बिल्कुल लगातार, ये गलत है। हाँ, गियर बढ़ाइए फिर कम करिए, बढ़ाइए, बहुत अच्छे, छोड़िए क्लच को, गुड। लेफ्ट में जाएंगे हम, हॉर्न दीजिए यहाँ पे, बस ज़्यादा हॉर्न का यूज़ नहीं करना, सिंगल सिंगल हॉर्न यूज़ करना है, क्योंकि ये साइलेंट जोन वाले इलाके रहते हैं। क्लच दबाइए, पहला गियर करिए, एक्सीलेटर छोड़िए, गलती क्या कर रहे हो? ये देखिए गलती, राइट टर्न करिए, सभी लोग देख रहे हैं तुम्हारी ड्राइविंग को, राइट टर्न करिए, वन हैंड लेफ्ट टर्न करिए, बहुत अच्छे। देखिए कितने छोटे छोटे टर्न हैं, बिल्कुल दीजिए एक्सीलेटर, हाँ हमारी तरफ करिए, बहुत अच्छे, राइट टर्न, इंडिकेटर देंगे हम, छोड़िए क्लच, हाँ गियर बढ़ा रहे थे पर देख लिया कि छोटा टर्न है तो रहने दिए, करिए सीधे, बहुत अच्छे। लेफ्ट टर्न लेंगे हम, इंडिकेटर ऊपर, अभी हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही है, हाँ बहुत अच्छे। ये देखिए कितनी नैरो गलियां है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे, राइट टर्न लेंगे हम, हाँ लगी है, आराम से करिए टर्न, करिए धीरे, बहुत अच्छे। ये देखिए बिना हमारे सपोर्ट के और बिना क्लच एक्सेलेटर और ब्रेक यूज़ किए हमारे ये लोग, हमारे जो भाई हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर किए जा रहे हैं। लेफ्ट टर्न लेंगे हम वन हैंड से, क्या लगता है हो रही है अच्छी प्रैक्टिस? हाँ भाई, है ना? रिलायबल के बारे में कैसे पता चला, कहाँ देखा था आपने? हमारे दोस्तों को बताया पहले और उनके जरिए। लीजिए इधर, लेफ्ट टर्न करिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल से, फ्रेंड सर्कल की वजह से इन्हें पता चला। भाई जी तो हमारे पहले से फ्रेंड है, अच्छा, और फ्रेंड सर्कल की वजह से पता चला। चलिए बढ़िया बढ़िया,
क्या लगता है ट्रेनिंग कैसी हो रही है आपकी? एकदम बढ़िया हो रही है अल्लाह करम से। पैसे वसूल हो रहे हैं आपके? बिल्कुल। अच्छा, देखिए इतनी छोटी बारीक गलियों में कोई ड्राइविंग स्कूल जल्दी सिखाती नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सिखाता नहीं है, बहुत कम लोग सिखाते हैं, और जो सीखने वाले लर्नर होते हैं उनका भी काम बनता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखे। ऐसी सिचुएशन में जब आपको गाड़ी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्टर के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है इतनी बारीक गलियों में गाड़ी को ले जाना। करिए हमारी तरफ, बहुत अच्छे, देखिए राइट लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, करिए टर्न, फुल टर्न करिए, बहुत अच्छे, करिए सीधे, गुड। तो देखिए लो मेरी तरफ, गुड। तो अभी हमने देखा कि जुबैर भाई किस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। भाई टर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? हाँ भाई। गाड़ी बंद हुई कहीं पर? कहीं पर भी नहीं है ना। आपका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आपकी गाड़ी इस वजह से बंद हो रही थी कि आप जब टर्न ले रहे थे ना तो उसको सेकंड गियर में ही उठाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। और क्लच प्रॉपर तरीके से नहीं दबा रहे थे, इस वजह से आपकी गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह वो बंद नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम आया होगा तो ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको ड्राइविंग सीखनी है तो रिलायबल मोटर ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करिए और अपने इस डर को दूर करिए।